दो मॉलिक्यूल है। अब मुझे CH4 में कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है। CCl4 में भी कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है, 4 ही दिख रही है, क्योंकि 4 बॉन्ड है ना। वो दिमाग मत लगाना कि वो आउटर मोस्ट शेल और ये वो, बॉन्ड कितने, 4, तो वैलेंसी कितनी है, 4। सिंपल टेट्रावेलेंट कोवैलेंसी है कार्बन में, क्योंकि वो नॉन मेटल है और जुड़ा भी किससे, नॉन मेटल से। 4 बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसी CH4 में भी C की 4 है और CCl4 में भी C की 4 है, ठीक। अब अगर मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है CH4 में और CCl4 में निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है, कि इट इज दैट हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एन एलिमेंट विच रिमेन्स, जो उस पर बचता है जब क्या बाकी सारे एलिमेंट्स उसके मॉलिक्यूल से हटा लिए जाए, ठीक है, व्हेन ऑल द अदर एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल। अब H को मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इस बॉन्ड में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इसकी क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो जब हम मानते हैं कि CH4 में से H हटेगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके जाएगा, कार्बन को देके जाएगा, और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो उसके पास चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये H जाएगा तो ये भी किस फॉर्म में जाएगा, पॉजिटिव के फॉर्म में, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, मतलब इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज और आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन और रख लिया। तीसरा हाइड्रोजन जाएगा, ये भी पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में भी एक नेगेटिव चार्ज आ गया। चौथा हाइड्रोजन जाएगा, ये भी पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -4, क्योंकि सारे हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन उसको देके गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा हो गए, उस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है, बढ़ गई है तो उस पर चार्ज क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, -4। उसकी वैलेंसी माइनस प्लस कुछ नहीं थी, वैलेंसी तो कोवेलेंट 4 थी, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, -4। जबकि दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं तो इसमें कौन है, Cl, Cl को हम मानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉजिटिव, तीसरे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में तीसरा पॉजिटिव और चौथे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में चौथा पॉजिटिव, मतलब इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, +4। तो CH4 में C की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -4। CCl4 में C की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, बदल गई ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन वैलेंसी बदली क्या, नहीं बदली। वैलेंसी अगर हमें किसी एलिमेंट की बतानी होती है तो हम ये नहीं बताते कि वो जब इससे जुड़ा हो तो ये वैलेंसी, उससे जुड़ा हो तो वो वैलेंसी, उससे जुड़ा हो तो वो वैलेंसी, लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, तो फर्क पड़ता है कि कार्बन अगर H से जुड़ा हो चारों तरफ तो -4 और Cl से जुड़ा हो तो +4। तो वैलेंसी निकालने के लिए किससे जुड़ा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो आपके पास सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं उनका नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक गांव में बस जा रही थी तो शर्मा जी और वर्मा जी बैठे हुए थे, शर्मा जी ने वर्मा जी से बोला, यार तुमने बहुत दिनों से 2000 रुपए मुझसे उधार लिए हुए, तुम वापस नहीं कर रहे, तुम वापस कब करोगे। बोले यार अभी करता हूं, ये है वो है, बहाने बनाने शुरू कर दिए। थोड़ी और आगे बस गई, अंधेरा हो गया था तो डाकुओं ने रोक लिया, तो वर्मा जी ने कहा यार पैसे तो जाने ही है, डाकुओं ने तो रोक ही लिया है, तो तुरंत 2000 रुपए निकाले और शर्मा जी को दे दिए कि यार ये उधारी चुकता, अब फालतू बात नहीं करना। अब शर्मा जी के पास वर्मा जी के यहां से तो कितने रुपए आए, 2000, और दो डाकू चढ़े, उनने वो दिखाई बंदूक और शर्मा जी से 2000 रुपए ले गए। शर्मा जी पे नेट पैसा कितना, 0, इधर से 2000 आए, इधर से 2000 चले गए। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH2Cl2 तो इससे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हुए, इससे एक और इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके रिस्पेक्ट में एक नेगेटिव और इसके रिस्पेक्ट में एक नेगेटिव, लेकिन ये क्लोरीन क्या लिया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो कार्बन इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव और इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कट गए। बेचारे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कितने, 0 है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसने H से लिए थे वो उससे लेके चला कौन गया, क्लोरीन लेके चला गया, तो 2H और 2Cl है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0, लेकिन वैलेंसी अभी भी कितनी है, 4। तो वैलेंसी एलिमेंट्स की नहीं बदलती, लेकिन उनके क्या बदल जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स या ऑक्सीडेशन स्टेट्स बदल जाती हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर
वेरिएबल, वैलेंसीज आर नेवर वेरिएबल। कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं बदल रही नॉन मेटल की, लेकिन उसका चार्ज, और वो कैसा चार्ज है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, हम मन से निकाल रहे हैं, हम मन से निकाल रहे हैं ना, हमें क्या मालूम कि एच देके जाएगा कि देके जाएगा, वो तो हम मान रहे हैं कि एच इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देके गया, क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया, तो ओवरऑल कार्बन पे चार्ज क्या बचा, जीरो, इसमें चार्ज माइनस फोर, इसमें चार्ज प्लस फोर, इसमें चार्ज जीरो। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, दे आर वेरिएबल। बात आई समझ में? तो ये तीनों एग्जांपल लिख लो, इतनी कहानी ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। सी एच फोर में कार्बन का चार्ज लिख लो कितना, माइनस फोर, सी सी एल फोर में लिख लो कितना, प्लस फोर, और सी एच टू सी एल टू में लिख लो कितना, जीरो, जिससे तुम्हें ये पता रहे कि वैलेंसीज कैन बी चेंज्ड और वेरिएबल, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर्स आर वेरिएबल, दे कैन बी चेंज्ड या दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो सी एच फोर में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस फोर, सी सी एल फोर में प्लस फोर, सी सी एल फोर में प्लस फोर, और सी एच टू सी एल टू में जीरो, दो एच ने दो इलेक्ट्रॉन दिए और सी एल ने दो इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ले लिए, तो ओवरऑल चार्ज उस पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा।